किशन, मेरा सपना पूरा होगा, मेरा शेख लड़ेगा, तू शेख को फाइट सिखा। मेरा मन भी यही कह रहा है। भाईजान, मेरा मन ये कह रहा, अब्बू को तुमने तुड़वा दिया, मुझे फुड़वा दे, हम खाएंगे कहाँ से फिर। हाँ, हमें जरूरत नहीं है अपने सपने अपने पूरे करने की, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? बेटे, अगर तू अपने बाप का सपना पूरा करेगा तो अल्लाह तुझे सहारा जरूर देगा। तेरा बाप किसी से हारने वाला नहीं था बेटे, उन लोगों ने मुझे बेईमानी से मारा है, बेईमानी से मेरे हाथ पांव तोड़े हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। जिस बेटे को अपने बाप पर लगे दाग मिटाने की हिम्मत नहीं होती वो असल पूत नहीं कहलाता। क्या असल पूत नहीं कहलाता? हाँ, और हम सिखाएंगे तुम्हें फाइट। ठीक है ठीक है, अगर मेरे मरने से अब्बू की हार का दाग मिट सकता तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह मेरे शेख, वाह वाह बेटा वाह। शेख जी, हमें लेना बदला बदला, मान जाओ तुम। मुझे डर लग रहा है शेख जी, अम्मी तुम ही समझाओ ना। सज्जो, तू घबरा मत, मेरा बेटा शेर है, शेर अपने बाप का बदला जरूर लेगा। सज्जो, ऊपर वाले पे विश्वास रख, मुझे अपने बाप का बदला जरूर लेना। चलो भाई साहब, चलो। उठ उठक बैठे करनी पड़ेगी यार। लगा, उठ ऊपर, देख मुझे देख, ऐसे लगा, ऐसे कर दूंगा। ये ले शाबाश, ये ले, लगा और लगा, ये ले, चल कर दूंगा यार, करते रहा हूं। और लगा, शाबाश शाबाश, एक और, चल वहाँ से दौड़ गया और वहाँ पर कूद। ठीक आ रहा हूँ, तो देख भी जाए। जल्दी आ, क्या हुआ? मेरे भी कूद जा, हाँ खड़ा होकर देख, कूद तू। हाँ ठीक है, तू आ एक बार कूद के दिखा। ठीक है, मुझे आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ले रहे हो, ले रहे हो, मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ हिम्मत से करके। चल आपका दे दिया लाऊंगा, अब तार लगी कूद लूंगा। हाँ फिर आप ठीक है भाई, अब तो कर रहा हूँ शायद, अब तो कर रहा हूँ कूद ना कूद। चढ़गा घास भाई, देख सांस चढ़गा मुझे तो। सांस चढ़गा? हाँ। इतनी जल्दी? चल मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने अब्बू का सपना पूरा करना नहीं करना। अगर ऐसे करेगा तो तेरे अब्बू का सपना कैसे पूरा होगा? छोड़ अब्बू को मत, हो सपना पूरा 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 पूरा, यहीं पे रुक। हिम्मत नहीं है क्या? थक गया मैं तो। थक गया? चल सांस ले ले, पानी वानी, पानी पिएगा? पानी ना, ना पानी नहीं पिएगा, नहीं पीना, कसरत करो। हाँ देख इधर, ऐसे कैसे कर रहा? ठीक है कर, जैसे तेरी मर्जी कर ले भाई, जैसे तेरी मर्जी। क्या हुआ? मैं तूने तो मेरा मार दिया, नहीं बचा गया ना, जैसे मैंने वार करा ऐसी कर। करूँ? हाँ ठीक है। तू तो लगने भी दे रहा, लगने ही नहीं देना। ठीक है मार, अब मार। ठीक है, बचेगा? शाबाश, ऐसे बचेगा तो अंडरटेकर को हरा देगा, ऐसे मारना। ठीक है मार, ऐसे कर दो। ले ए ले, अब्बू
आओगे बेटा आओगे कर दूंगा ठीक है देख लेगा कर दूंगा आज ले बेटे इल्ले ले ओबे 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 मेरी कमर तोड़ दी जाए इसे करा नहीं जा रहा चल इधर आ इधर आ ठंड पे ठंड लगा ठंड लगा ठंड ठीक है लगा रहा ओए मेरा तेरे काल दिया कम लगा दे ओए मेरी जान निकल जाए मेरी जान तो मार देगा किधर आज के बच्चे मेरी जान तो मारेगा कद के बैर काट रहा ओए ले ओए हाथ पकड़ ले ओए मेरा हाथ निकालेगा ओए हाथ कटाएगा मेरे ये ले बेटा ये ले लाल तेरा हिरन बना दूंगा तेरा मैं भी जलाल फील का बेटा हूँ मेरे शेर बहुत जल्दी फाइटर बन जाएगा और अपने अब नाम रोशन करेगा बेटे की जान यार आ जा किशन लाल जी अब ये बताओ कि आगे करना क्या है जलालो जी मेरा ठीक है मेरे बाजू बांध दे अच्छा हाँ ये ठीक है सीधा हाथ हाँ लो मेरे अच्छे से शेख जी बेटे की जान नीला बनने भेजा ये नीला बन भी भेजती रहे मुझे कुछ ना कुछ ध्यान रखना इसका ठीक है ध्यान रखूंगा इसका तो नीला प्रभाजी नाराज रहेंगे नहीं चलो भाई चलो अबू जा रहा हूँ मैं क्या बेटा क्या मेरे मौला मेरे शेखू को कामयाबी अता फरमाना उसे चैंपियन बनाना अब आपके सामने आ रहे हैं जाने माने फाइटर सेरा 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 तुम्हारा नाम बोल दूं मरवाएगा मुझे अंडरटेकर को बुलाने कह रहा उससे डरी ना रहा हूं इसे लिखवा दे मेरा भेजू हार ही तो जाओगे तैयारी भी हो जाएगी एकदम अंडरटेकर से लड़ोगे तो खतरा भी हो सकता बोल दे पर से जो बोलिए बोल दे ठीक है बोलता हूं फाइट का इनाम 10,000 रुपए फाइट होगी और जरूर होगी सेरा से लड़ने आ रहे हैं शेख चिल्ली ठीक है आ लिए ये घुस गए हम हो जा शुरू कर दो तो ये ना शेख चिल्ली लड़े शेख चिल्ली फाइट कर रहे चिल्ली से आजा, बेटा ये ले।
जाल दे दे। और इस फाइट की विजेता बेल्ट। ओ बेल्ट एक जाल। अम्मी सलाम अलैकुम। हाँ ले ले। अम्मी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटे। जलाल जी आज का दिन शेख चिल्ली के नाम रहा। वो कैसे? शेख चिल्ली ने फाइट लड़ी और जीत गया। अरे वाह मेरे शेर। किशन मुझे पता था कि एक दिन मेरा सेकू ये कारनामा जरूर कर दिखाएगा। आखिर बेटा किसका है? जलालुद्दीन फाइटर का बेटा है। ये लो जलालू जी आज की बेल्ट और 10,000 रुपए। मगर फाइट अंडरटेकर से नहीं हुई। अरे कोई बात नहीं किशन लाल। अरे जीत तो नसीब हुई। अरे बेटा सज्जो शेख जी आप ठीक तो हो? सज्जो तू घबरा मत, मैं ऊपर वाले का करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ। किशन लाल अगर एक बार मेरा सेको अंडरटेकर को हरा दे और मेरा बदला ले ले तो मेरा जीवन सफल हो जाए। जलालुद्दीन जी तुम रो मत, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा शेख चिल्ली अंडरटेकर से बदला लेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। जीत का है ना? हैं? हैं? और ऊपर वाले का कर्म रहा नहीं तो एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। बेटे ये रोने के आंसू नहीं, ये तो खुशी के आंसू है जो मेरी आंख से छलक रहे हैं। ठीक है तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। जलालू भाई 5 तारीख को अंडरटेकर की फाइट है। लेकिन किशन भाई अभी मेरा सेकू इतना परफेक्ट नहीं हुआ कि वो अंडरटेकर से फाइट लड़ सके। अरे किशन भाई कैसे हो? 5 को अंडरटेकर की फाइट है। ठीक है हम चलेंगे। क्यों अब्बू? मगर शेख भाई उससे तो कोई लड़ने को तैयार नहीं है। क्या किशन भाई उसे लड़ने को तैयार नहीं? मुझे लगा है बिना लड़े ही वो चैंपियन बन जाएगा। बगैर लड़े चैंपियन बन जाएगा? उस फाइट में अंडरटेकर ने इनाम के साथ साथ अपनी बीवी भी दांव पे लगा रखी है। अपनी बीवी दांव पे लगा रखी है? वो कैसे कैसे? वो ऐसे इनाम पे अपनी बीवी दांव पे लगा रखी है। जो जीतेगा फाइट वो हारने वाले की बीवी को अपने साथ ले जाएगा। हारने वाले की बीवी को ले जाएगा? इसका मतलब बेगम बेगम की हार जीत। हाँ शेख जी। किशन भाई हार जीत में बीवी? मैंने तो पहली बार सुना है। नहीं शेख जी अब ऐसा नहीं होगा। पहले मेरे जाने के बाद तुम उस सलमा को लिया है, उस कलमोही को। हाँ और अब वो अंडरटेकर बीवी? कोई जरूरत नहीं है ये लड़ाई लड़ने की। हमें लड़नी फाइट फाइट कह जाती हूँ। हाँ फाइट नहीं लड़नी। अब कैसा करूँ अब्बू? पूछ रहा कैसे करूं? अब मैं तो पहले टूटा फूटा पड़ा। अबे भाई जो तेरे मन में है वो कर तू जा। बेटा से अगर आज तूने सच्चे का कहना माना तो अबू सोचेंगे बीवी के सामने मेरे सपनों को तोड़ दिया। शेख जी क्या सोच रहे हो? नहीं सच्चो मैं अंडरटेकर से जरूर लड़ूंगा। किशन भाई मेरा नाम लिखा दो। 5 तारीख तो 5 तारीख। ठीक है शेख भाई मैं चलता हूँ, तुम्हारा नाम लिखवा दूँ चल के। तुम्हें कुछ दाव भी तो सिखाने हैं। हाँ भाईजान जरूर सिखाइए दाव तो। शेख जी जरा इधर आना। क्या क्या है? आओ तो सही। चल
माँ क्या बात है बतला, बोल। शेख जी, बस तुम वो लड़ाई मत लड़ो बस। हाँ फाइट नहीं लड़ू, मैं क्यों नहीं लड़ू, लड़ूंगा मैं तो। बस मत लड़ो। हाँ नहीं लड़ू, मैं तुम्हें हार से डर रही है। शेख जी, मैं तुम्हारी हार से डर रही, मैं तुम्हारी जीत से डर रही हूँ। जीत से डर रही है? मैं वो क्यों? वो क्यों? वो यूं, अगर तुम हार गए हैं तो फिर वो मुझे ले जाएगा वो अंडरटेकर मोटा, फिर मेरा क्या होगा? और अगर तुम जीत गए तो वो अंडरटेकर भी है तुम्हारे पास। ये मैं नहीं सकती, पहले मैं सलमान से प्रधान हूँ, उस कमबख्त मारी से। मैं तो जिंदा मत मार, तू चिंता मत कर, रुक जा, मैं बिल्कुल हारने वाला नहीं हूँ। शेख जी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? भाई ये भी मुझे की बात है पगली, मैं दुनिया में इतना प्यार किससे करता नहीं जितना तुझसे करता हूँ। अरे सज्जो, शेखो, अरे आप कैसे चुपचाप बैठे हो? क्या बात है, कुछ तो बोलो। बेगम बैठो, मैं कैसा निर्भाग हूँ कि मैं तुम सब पर बोझ बनकर रह गया। नहीं नहीं अब्बू, ऐसा मत कहो, हमने आपको कभी कुछ कहा क्या? आप ऐसे क्यों सोचते हो? अम्मी आप ही बोलो ना। नहीं नहीं बेटे, तुमने कभी कुछ नहीं कहा, मगर दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं, कहीं जा भी तो नहीं सकते। अब्बू तुम तो कहते थे बहादुर के बहादुर पैदा होते हैं, तुम तो बहादुर हो फिर भी आंख में आंसू। बेटे ये आंसू मेरी कहरता के नहीं, मेरे बहादुर बेटे के लिए है, जिसने मेरे सपनों के लिए अपनी बीवी दांव पर लगा दी। बेटे ये तो मेरे खुशी के आंसू है। अबू अगर तुम रहोगे तो मैं फाइट हार जाऊंगा, और वो हार ऐसी हार होगी जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आग में आंसू नहीं आने चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी सज्जो को हार मत जाना। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, रहम फरमा दे मेरे बच्चों, रहम फरमा दे मेरे परवरदिगार, रहम फरमा दे। मगर अब्बू आप तो चलोगे ना फाइट में? हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगा, अपने बेटे की फाइट देखने मैं जरूर चलूंगा। और अम्मी आप? बेटा मैं अल्लाह से दुआ करूंगी तेरे लिए कि मेरा बेटा कामयाब होकर लौटे। फाइटर के बेटे उभरते सितारे शेख चिल्ली, शेख चिल्ली आ रहे हैं। अबे ओ मच्छर, मैं तुझे मसल के रख दूंगा, तू मुझसे क्या लड़ेगा, बिना लड़े ही अपनी हार मान ले और अपनी ये बीवी मुझे दे दे, मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना कर रखूंगा। अभी पता चल जाएगा कौन मच्छर है कौन शेर है। भाई सच्चों की बात, इसे तो मैं हार ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आजा, जल्दी आजा, मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? मुझसे कंट्रोल रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। लाओ कार। ठीक है, ऐसे तो मैं कर दूंगा, कर दूंगा ऐसे तो मैं। ठीक है आजा भाई, हम भी देख रहे हैं।
Thank you.